नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। सो आज मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कि कौन सा स्टॉक गेनर रहा, फिर उसके बाद कौन सा लूजर, फिर आखिरी में कौन सा स्टॉक कल के न्यूज़ के लिए है, साथ ही में कल कौन कौन से ट्रेड में आप निवेश कर सकते हो, कल क्या क्या न्यूज़ है, और बाद में बोर्ड मीटिंग्स वगैरह। सो चलिए शुरू करते हैं। दीज आर ऑल सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क, प्लीज कंसिडर योर फाइनेंशियल एडवाइजर फॉर फर्दर डिटेल्स। दीज डिटेल आर यूज फॉर द एडुकेशन पर्पज ओनली एंड प्लीज रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। सबसे पहले सेंसेक्स देख लेते हैं। सेंसेक्स जो कि कल की बहुत गिरावट के साथ बंद हुआ था, लग रहा था कि आज बढ़ेगा। सो अच्छी बात ये है, बढ़ता हुआ बंद हुआ, 39,046 पे बंद हुआ यानी 85 रुपये, और ओपन हुआ था 39,056 पे यानी सेंसेक्स 39 के क्रॉस में ही बंद हुआ। ये अच्छी खबर बाजार के लिए, जैसे कि पहले लास्ट क्लोजिंग हुई थी 39,960 पे। सो सेंसेक्स के लिए भी अच्छी खबर, साथ ही में निफ्टी निफ्टी भी कुछ ऐसे ही है। चार्ट निफ्टी का भी 11,691 पे बंद हुआ है और ओपन हुआ था 11,677 पे। वही एक बार लगभग 2:30 बजे के बाद डाउनफॉल आया, लेकिन उसके बाद 11,640 छूके वापस 11,691 पे 91 पे बंद हो गया। तो सबसे पहले देखते हैं कौन से स्टॉक टॉप गेनर है। सबसे पहले अल्ट्राटेक सीमेंट जो कि ओपन हुआ था 4,437 पे और बंद हुआ 4,531 पे। अल्ट्राटेक सीमेंट ने ग्रीन नोड और 250 करोड़ का प्रोजेक्ट मिल गया है उनको आंध्र प्रदेश में। तो ये अच्छी खबर है अल्ट्राटेक के लिए। गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ने 250 करोड़ का आंध्र प्रदेश का ऑफिशियली डॉक्यूमेंट बन गए हैं। अंडर द प्रोजेक्शन कंपनीज विल सेटअप द इंटीग्रेटेड सीमेंटेड प्लांट, मतलब इसमें सीमेंटेड प्लांट वगैरह के 250 करोड़ के प्रोजेक्ट मिल चुका है, जो कि सीमेंटेड प्लांट होंगे, सीमेंट के जो प्लांट होंगे वो बनेंगे, और जिसके कारण सीमेंट की और बड़ी सप्लाई बढ़ेगी, जिसके कारण अल्ट्राटेक में इससे मूव अच्छा आ सकता है। अल्ट्राटेक को बाय करके चलिए। अल्ट्राटेक का टारगेट है करीबन मिनिमम 4,800, मतलब 4,800 रखे रखी है, और स्टॉप लॉस करीबन 45, तो चलिए रहा है स्टॉप लॉस करीबन 43 है, और 43,350 का रखिए। और निवेश करने से पहले सोच समझ के निवेश कीजिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से निवेश कीजिएगा। और एक इशू है कंपनी का, यही अल्ट्राटेक का मिनिस्टर ने क्लीनेस्ट अल्ट्राटेक सीमेंट प्रपोज ग्रीन शिफ्ट फॉर आंध्र प्रदेश सर्टेन कंडीशन, बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हुई है इसके प्रोजेक्ट के साथ। जैसे जैसे टर्म्स एंड कंडीशन, जैसे प्रोजेक्ट का और आगे पता चलेगा और कोई न्यूज इफेक्ट होगी तो आपको बता दिया जाएगा अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में। वह स्टॉक पर चलते हैं बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस की जैसे कि आज फिर ये बढ़ता हुआ स्टॉक है, 47 रुपये 80 पैसे बढ़ के बंद हुआ यानी 3514 पे बंद हुआ, तो ओपन हुआ था 3774 पे और प्रीवियस क्लोज था 3467 पे। कल बहुत बाजार नीचे था, बहुत निफ्टी भी नीचे गिरा था, सेंसेक्स भी, जिसके कारण आज सब स्टॉक में मजबूती दिखने को लग रही है। 3514 पे बंद हुआ और इसका टारगेट आप करीबन 3700 का और 3800 के बीच में लगाइए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि इनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। एज़ पर द रिजल्ट ये अभी तक कोई मूव नहीं करा है, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही निवेश कीजिएगा। बजाज फाइनेंस बहुत बड़ा स्टॉक है और सोच समझ के ही निवेश कीजिएगा। फाइनेंस की जो ग्रोथ है वो 57% हुई है, जो यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था Q4 के रिजल्ट है, सो 57% हुई है, जिसके कारण इनका जो रेशियो है और जो जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ चुका है, और यानी कि 3518 पे अभी ट्रेडिंग चल रहा है, यानी इससे और बढ़ के बंद हो सकता है। ये अभी कोई लेवल यानी और लेवल ही, अगर ये 3800 का लेवल तोड़ता है तो करीबन 4,000 का लेवल भी जल्दी टूटता है आपको दिख जाएगा बजाज फाइनेंस में। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं डॉक्टर रेड्डी को सेल करना है टू न्यूरोलॉजी ब्रांडेड प्रोडक्ट, जिसके कारण अपशेर स्मिथ लैब में ओवर 110 मिलियन डॉलर्स। डॉक्टर इसी के कारण डॉक्टर रेड्डी आज बढ़ते हुए बंद हो रहा है, लेकिन डॉक्टर रेड्डी ने एक न्यूज़ और है डॉक्टर रेड्डी की, वो जो 1.7% इंटरडे में हुआ था, जो कि जिसके कारण डॉक्टर रेड्डी और भी गिर सकता है, आप सोच समझ के निवेश कीजिएगा। और डॉक्टर रेड्डी की ये जो न्यूज़ है, ये इनको है ना सेल करना है, जिसके कारण इनके पास पैसा आएगा, और पैसा आने के बाद वो आगे इन्वेस्ट करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि अभी दवाइयों के सेक्टर बहुत डाउन है, साथ ही में कि कई जगह के कई दवाइयों पे कुछ वो केस भी चल रहा है, जिससे कुछ वो दवाइयाँ चेक वगैरह भी हो रही है, जिसके कारण अभी बहुत गिरा हुआ है बाजार। तो ये एक ओ सॉरी ये एक टॉप गेनर था आज के मार्केट में डॉक्टर रेड्डी। अब चलिए अब देखते हैं टॉप लूजर कौन से रहे। सबसे पहले इंडियन बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। इंडियन बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने नया करा है अपॉइंटेड नवीन उपाल,
चीफ रिस्क ऑफिसर, जिसके कारण इंडियन बुल्स हाउसिंग फाइनेंस करीब 48 रुपये गिरा, 650 पे ओपन हुआ था इंडियन बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और हाईएस्ट 655 जाके गिरने लग गया। तो 48 रुपये गिरा इंडियन बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, 606 पे बंद हुआ है, जिसके कारण इनका जो ये जो है जो मिस्टर नवीन उपाल जो चीफ रिस्क ऑफिसर जो हो गए हैं नेशनल हाउसिंग बैंकिंग डायरेक्टर, और जो अपॉइंटेड हो गए जून 17 से अपॉइंटेड हो चुके हैं, और ही विल बी डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट। अच्छा, इनको ये सीधा जो भी इनका काम है, अब इनको बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी गई है हाउसिंग ने, डायरेक्टली जो इनके सीईओ है उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ये मिस्टर नवीन जी, जिसके कारण जो भी कंपनी में चल रहा है वो सब कुछ डायरेक्ट सीईओ बताएंगे, जिसके कारण रिस्क कम बढ़ेगी और बढ़िया रिजल्ट देगा शेयर। सो आप इसमें निवेश कर सकते हैं, लेकिन सोच समझ के निवेश कीजिएगा। नेक्स्ट टॉप पे चलते हैं, सन फार्मा। सन फार्मा का एक तरीके से जैसे ये 2:30 बजे के बाद आज जैसे निफ्टी गिरना चालू हुआ था, ऐसे सन फार्मा का आप देख लीजिए गिरना चालू हुआ 3 बजे के बाद, थोड़ा संभल के बंद हुआ 377 पॉइंट बंद हुआ ये, यानी 5 रुपये 85 पैसे माइनस था। सन फार्मा ने अनाउंस कर दिया प्रॉमिसिंग डेटा फॉर न्यू इंडिकेशन ऑफ ल्यूमिनेशन ड्रग, मतलब इन्होंने कुछ प्रॉमिस कर दिया है, इनको कुछ ड्रग तरी दवाइयाँ वगैरह जो है ये ड्रग्स के खिलाफ कुछ सन फार्मा कुछ प्रिपेयर करेगा, और इन्होंने 14 जून को अनाउंस किया था, प्रॉमिस किया था, जिसका पे सेकंड और भी इस पर चर्चा चल रही है। ल्यूमिनाई ने ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है इसका यूएस ट्रीटमेंट के लिए अडल्ट मोटिवेशन, जिससे ड्रग्स का नामो निशान खत्म हुआ, जो लोग ड्रग्स लेते हैं इसके नामो निशान खत्म हुआ है ये गंदी बीमारी का, जिसके कारण ये सन फार्मा सोच रहे हैं कि हम इस पे कुछ ना कुछ करें और दवाइयाँ निकालें जिसके कारण इसका असर कम हो। सो ये अच्छी बात है सन फार्मा के लिए, बढ़ सकता है एज पर दी न्यूज़, और जैसे बाजार मूवमेंट करेगा वैसे ही सन फार्मा में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शेयर है नहीं, जैसे आज निफ्टी गिरने लगा तो ये भी गिरने लगा था, और बंद होते होते थोड़ा पॉजिटिव नहीं दिखा, लेकिन आप शुरुआत से सुबह से ये पॉजिटिव चल रहा था, 2:30 बजे के बाद गिर गया, जिसके कारण और 3 बजे के बाद जैसे निफ्टी उठा तो ये भी थोड़ा उठा। तो उसमें सोच समझ के निवेश कीजिएगा सन फार्मा में। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं, एच डी एफ सी बैंक। एच डी एफ सी बैंक ने सेल कर दिया 4.2 स्टेक ग्रुप फाइनेंस को, जिसके कारण इनके पास पैसा आएगा, और जो स्टेक सेल करा जो 290 पर शेयर वाले 290 पर शेयर में स्टेक सेल किया है, और जो बेस डील साइज है वो एक्सपेक्टेड है अराउंड करोड़ 3 करोड़ की विद अपसाइड ऑप्शंस। सो एच डी एफ सी बैंक ने करंटली पार्किंग के साथ स्टेक सेल कर दिया, जिसके कारण इनके पास पैसा आया और कंपनी को और भी पैसा मिल गया इन्वेस्ट करने के लिए, जिसके कारण ये एच डी एफ सी फर्स्ट बढ़ सकता है एज पर द न्यूज़। रिसेंटली जिस 4.47 करोड़ की इक्विटी शेयर रिप्रेजेंटिंग हुई थी, जो कि 610% ऑफ पेड ऑफ कैपिटल ऑफ ग्रोथ। सो ये अच्छी बात है, एच डी एफ सी ने ये बेच दिया है जिससे इनके पास पैसे आए ग्रोथ फाइनेंस को। सो देखते हैं क्या वो निकलता है और आगे जाके नतीजे क्या रिएक्ट करता है ये एच डी एफ सी बैंक किस न्यूज़ को लेके। सो नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं, ट्रेड सेटअप फॉर टुमारो। सबसे पहले देखते हैं टी सी एस, टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज की एक न्यूज़ बता दूँ। टाटा टी सी एस की कंपनी ने टीम अप कर लिया है एस ए पी ट्रांसफॉर्मर के साथ, जिसके कारण इनके जो ब्लॉक चेन जो सोल्यूशन है वो अच्छे, मतलब कि जो ये अच्छी खबर है टी सी एस के लिए, जो ब्लॉक चेन है जिसमें जहाँ पे दिक्कत आ रही है जो टी सी एस को, सो ये कंपनी मदद करेगी एस ए पी ट्रांसफॉर्मेशन सर्जल किट जो मदद करेगी, जिससे टी सी एस को उनकी जो भी ब्लॉक डील्स वगैरह ब्लॉक चेन है उसका सोल्यूशन देगी, जिसके कारण कंपनी की ग्रोथ हो सकती है। सो ये अच्छी खबर टी सी एस के लिए, अगर आपको बाय करना है तो सोच समझ के ही बाय कीजिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही बाय कीजिएगा। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं, रिप्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिप्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कंपनी ने अप्रूव कर दिया ड्राफ्ट स्कीम ऑफ डीमर्जर बिटवीन कंपनीज, है ना, और जो कि है ना सब सब डायरी के लिए कंपनी रिपोर्ट इनवो डिजी प्रिंटेड लिमिटेड। सो ये कंपनी ने कुछ अप्रूवमेंट किया है डीमर्जर के लिए, सो देखते हैं ये और आगे चल के क्या रिपोर्ट दिखाता है इसलिए। सो रिप्रो इंडस्ट्रीज का मेरा मानना भी थोड़ा दूर रही है, ये 450 के लेवल दिखा सकता है, और अगर आपको बाय करना है तो इस पर स्टॉप लॉस लगा के ही बाय कीजिएगा, क्योंकि अभी इसका बेस इतना अच्छा है नहीं, 2:30 बजे के बाद ये भी बहुत गिरने लगा था और गिरता हुआ बंद हुआ, तो इसमें सोच समझ के ही बाय कीजिएगा। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। सो दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए एक सही खबर है, यानी 5.6 लाख जो इंटरेस्ट होता है उन्होंने एनसीडी को खाली 5.6
सॉरी 56.8 लाख, सॉरी खाली 56.1 लाख का इंटरेस्ट होता है जो एनसीडी को पे कर दिया है, जिसके कारण डीएचएफएल की है ना आप ग्रोथ देख सकते हैं, लेकिन ये शेयर की वॉल्यूम बहुत अच्छी नहीं है, इन्वेस्टरों का बहुत पैसा डूबा गया है। सो आप इसमें सोच समझ के ही निवेश कीजिएगा डीएचएफएल में, जिसके कंपनी की हाँ न्यूज़ अच्छी है, 56.1 खाली इंटरेस्ट जो कि पे करा है। और इसके साथ जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये भी हमारे कई बार स्टॉक की न्यूज़ में रहा है, अगर आपको और जानकारी चाहिए तो पिछली वीडियोज़ में देख सकते हैं, लेकिन एक न्यूज़ में बता दूँ, डीएचएफएल का जो 2 महीने का मतलब जून और जुलाई, जून ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है, जुलाई के पेमेंट की इनको कोई टेंशन नहीं है, मतलब जुलाई तक ये अपनी पेमेंट जुगाड़ सकती है, और इनके पास बहुत सारे हाउसिंग का जो लोन्स का पैसा आता है वो भी सब ये लोन पेमेंट करने में लगा रहे हैं। सो ये जितना जल्दी लोन पेमेंट हो जाएगा उतनी अच्छी खबर बाजार के लिए और उतनी अच्छी खबर डीएचएफएल के लिए। सो अभी डीएचएफएल से थोड़ी दूरी बनाए रखिएगा, अगर जिसके पास डीएचएफएल पड़े मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि आप धैर्य बनाए रखें, डीएचएफएल जल्दी ही, जल्दी नहीं तो आपको जल्दी ही मूव करता हुआ दिखेगा, लेकिन अभी आप इस डीएचएफएल को बाइंग ना करें, जो जिनके पास है वो अभी सेल ना करें और पेशेंस बनाए रखें, डीएचएफएल पक्का मूव करेगा। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं, बायोकॉन। बायोकॉन की एक बात बता दूँ, बायोकॉन जो कि ओपन हुआ था 242.65 पे और ओपन सॉरी ओपन हुआ था 247 पे और क्लोज हुआ है 242.65 पे। सो बायोकॉइन की एक बार बता दूँ, बायोकॉइन ये अच्छा शेयर है बायोकॉइन। सो बायोकॉइन ने 52 वीक हाई भी हिट करा है और जिसके कारण बायोकॉइन को जो फैसिलिटी से जो बेंगलुरु की ये रिसीव हो गई जीएमपी कंपनीज की। सो बायोकॉइन आपको अभी थोड़ा दूर ही रहना चाहिए बायोकॉइन से, 2:30 बजे के बाद बायोकॉइन भी गिरने लगा था। सो जैसे कि बाजार की मूवमेंट में बायोकॉइन गिरने लगा था, सो आप सोच समझ के बायोकॉइन को बाय कीजिएगा। और इसकी एक न्यूज़ बता दूँ बायोकॉइन के, तब तक अपन हाई देख लेते हैं, हाई है 247, सो 247 हाई है और लो है 239 बायोकॉइन का। सो बायोकॉइन अच्छी बात है बायोकॉइन में ट्रेड करने के लिए, सो आप इसमें सोच समझ के ही बाय कीजिएगा बायोकॉइन को, और बाय करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिएगा। सो ये भी बायोकॉइन में अच्छी बात है। सो देखते हैं अब आगे देखते हैं कि कौन कौन सी बोर्ड मीटिंग्स है। गैलेक्सी सर्फैक्शन की कंपनी की ऑफिशियली मीट है 19-20 जून को, जिंदल स्टील्स की कंपनी की ऑफिशियली मीटिंग है 19 जून को, इनकी भी 19 जून को है, जिंदल स्टील की ई क्लर्क इंपॉर्टेंट है, ई क्लर्क कंपनी की ऑफिशियली इंटरेक्शन विद इक्विटी मास्टर रिसर्च है प्राइवेट लिमिटेड की, जो कि आज हो चुकी है 18 जून को, अभी नतीजे आए ही नहीं है, जैसे ही आ जाएंगे जो भी बोर्ड मीटिंग में हुआ आपको बता दिया जाएगा। सो ये सब कुछ बोर्ड मीटिंग थी, और जो भी स्टॉक उसमें सोच समझ के निवेश कीजिएगा और फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के निवेश कीजिएगा। Thank you for watching. If you like our video, hit the like button and subscribe to our channel, and never forget to press the bell icon to get latest videos update.